हम फिजिक्स की क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिज़िक्स में बहुत क्वांटिटीज़ हैं, दुनिया भर की क्वांटिटीज़ हैं। उनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी होती है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आप कितनी देर से पढ़ रहे हो, आपने बोला 2 घंटे से, आपने साथ में डायरेक्शन थोड़ा बताई, 30 डिग्री पे पढ़ रहा हूँ कि नॉर्थ की तरफ पढ़ रहा हूँ। टाइम है भाई, टाइम टाइम है, स्केलर है। आपने कहा कि 4 किलो सेब दे दो, भैया ये थोड़ा ना कहा कि नॉर्थ की तरफ दे दो या 30 डिग्री पे दे दो, उसकी वैल्यू वैल्यू है। तो बेसिकली क्या है, स्केलर है, मास स्केलर है, टाइम स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू वैल्यू को इस चैप्टर में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जैसे कि टाइम, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनकी सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन तो होती नहीं। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन होती है अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन क्या है, अभी हम टाइम के साथ करने वाले हैं थोड़ी देर में, पर ये कुछ वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करते हैं। अभी इतना समझ लिया जाए कि इनकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैल्यू भी मीटर में और साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है। ऐसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट, स्टूडेंट ये पूछता है कि सर जैसे नई क्वांट इन क्वांटिटीज को तो मैं जानता हूं, मेरे को एक नई क्वांटिटी पता लगी, ये आज ही पढ़ा हूं मैं, मैंने कहा क्या, कहता टॉर्क, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है। मैंने कहा ठीक, वो कहता एक और क्वांटिटी पढ़ के आया हूँ मैं, मैंने कहा क्या, कहता कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने कहा फिर, कहता ये वेक्टर की स्केलर, आपको नहीं पता, ये स्केलर है। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये स्केलर है। ठीक, एरिया वेक्टर है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब कैसे, मैं कैसे बता पा रहा हूँ और आप क्यों नहीं बता पा रहे। फिर आप शायद ये सोचेंगे कि शायद इस चैप्टर का काम यही बताना है कि कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, कोई ऐसा फॉर्मूला आने वाला है जादू का कि बस मैं देखते ही नाम सुनते बता दूंगा हाँ वेक्टर है, हाँ स्केलर है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपको ये सारी क्वांटिटीज स्टडी ही करनी पड़ेंगी, 2 साल लगेंगे ये सीखने में कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। कुछ क्वांटिटीज को आप जानते हैं, जिन क्वांटिटीज को आप नहीं जानते, जिनको स्टडी करवाया जाएगा, उसमें पहले दिन जब वो क्वांटिटी सिखाई जाती है, टीचर ये बताता है ये वेक्टर है या स्केलर है। ठीक, तो मतलब आप ऐसा ना सोचें कि अब आपको पता लग गया वेक्टर, आपने चैप्टर कर लिया, बता सकते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो मतलब पहले क्लियर करना ज़रूरी है। बंदा कहता है मैं वेक्टर कराया पर मैं क्वांटिटी पहचान नहीं पा रहा, आप नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो को यूज़ किया जाता है, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके सर पे एरो लगा दो, समझो वो वेक्टर है। मतलब एफ वेक्टर का मतलब एफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दूर से पता लग रहा है सर पे एरो यानी कि वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो एरो लगा दिया। तो वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर वो एरो समझाने लग गया, एरो में एक हेड होता है, एक टेल होती है, वो हमें ऑलरेडी पता है ये एरो है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे एग्जाम्पल है, एक कार मूव कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार मूव कर रही है अभी 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक, मेरे को क्या लिखना है, वी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मुझे लिखना है वी वेक्टर, वी के ऊपर वेक्टर। जब भी देखो, आज तक हमने ऐसा किया नहीं कभी भी, हमने सिर्फ वी लिखा, हमने कहा वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, बात खत्म ना। अब वी वेक्टर है, अगर वी वेक्टर है तो आपको 2 चीजें देनी ही पड़ेंगी, एक वेलोसिटी की वैल्यू और एक साथ में उसकी डायरेक्शन, क्योंकि इसके सिर पे वेक्टर लगा दिया। तो जैसे वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर आप अकेला लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड तो गलत हो जाएगा, काटा है, गलत है। आपको लिखना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन के लिए अलोंग
एक्स एक्सिस। तो अब वी वेक्टर में आपने दो चीजें बता दी हैं, एक वी की वैल्यू बता दी है और एक वी की साथ में डायरेक्शन भी बता दी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें लिखनी जरूरी हैं, अगर आपने एक चीज लिखी तो वहीं पर क्रॉस हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई कहता है जी मैंने वेक्टर हटा दिया, मैं तो अकेला वी लिखूंगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन मेंशन नहीं करना चाहता, वो सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू मेंशन करना चाहता है, तो फिर वो अकेला लिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन यहां पर मेंशन नहीं होगी। अगर तो v के ऊपर वेक्टर आ गया या किसी भी क्वांटिटी पे वेक्टर आ गया तो दो चीज़ें बतानी है, वैल्यू एंड डायरेक्शन। और अगर वेक्टर हट गया, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? या फिर अगर कोई कहता है जी v वेक्टर मेरे को ये गिवन था, पर मैंने v वेक्टर का मॉड निकाल दिया, मॉड का मतलब ही होता है ओनली वैल्यू, डायरेक्शन का अफेक्ट कैंसिल, मॉड लगाने का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो भी आंसर सिर्फ क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीन रिप्रेजेंटेशन है, अगर तो वी वेक्टर आ गया, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों लिखनी पड़ेंगी, अगर वी आ गया अकेला या वी वेक्टर का मॉड आ गया तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, डिफरेंस क्लियर है? जैसे एक कार जा रही है और कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और मेकिंग एन एंगल ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या लिखा, वी वेक्टर लिखा ना, वी वेक्टर का मतलब मेरे को दो चीजें मेंशन करनी है, वैल्यू भी करनी है और साथ में मैं दोनों कर दी। पर अगर किसी ने कहा वी वेक्टर का मॉड लिख दो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, वैल्यू, और अगर वी लिख दो तो भी ओनली मैग्नीट्यूड। कोई डाउट इसमें? तो वैल्यू को इस फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर।